नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसमें कि आपकी खूबसूरती के सारे आयाम पूरे होंगे। नॉर्मली हमारे समाज परिवार की महिलाओं को चिंता रहती है कि उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, उनके चेहरे पे झाई आ सकती है, उनकी स्किन लूज हो सकती है, उनकी आँखों के नीचे फाइन लाइन आ सकती हैं, उनके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, उनके जो है चेहरे की चमक ख़त्म हो सकती है। और यह सब होता भी है, जब आप एक उम्र के पड़ाव पे बढ़ते हैं तो यह सब होता है। वही वो वक्त होता है या उससे पहले का वक्त होता है जब आप इस समस्या को रोकने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हम आपको इसी श्रृंखला में बताएंगे एक ऐसा एंटी एजिंग ड्रिंक जो आपकी तमाम जो एक उम्र के साथ समस्याएं चेहरे के सौंदर्य पे, शरीर के सौंदर्य पे, शरीर पे आती हैं, उनको वह कम करने में आपका सहायक होगा। यह बहुत अद्भुत नुस्खा है साथियों, और बहुत आसान भी है। आपको या वास्तव में जो हम लिखते हैं 1-2 रुपए में यह नुस्खा आपका तैयार हो जाएगा। वास्तव में यह उसी श्रृंखला का नुस्खा है, आपका बहुत कम पैसे में तैयार हो जाएगा। क्योंकि खूबसूरती साथियों मन और तन, मन की खूबसूरती हम जानते हैं, हमारे सारे दर्शकों में सारे श्रोताओं में मन की खूबसूरती है, लेकिन तन की खूबसूरती जो लोग चाहते हैं उनको और खूबसूरती के लिए या वो खूबसूरती बनी रहे उसके लिए यह सारी चर्चा है, उसके लिए यह सारी बात है, उसके लिए यह सारी बात की जा रही है। उसी श्रृंखला में आपको बताते हैं हम एक अचूक नुस्खा जो आपको एंटी एजिंग ड्रिंक के रूप में काम करेगा। वो चाहे आपका बाल झड़ना हो, चाहे आपके चेहरे की फाइन लाइंस हो, चाहे आपकी आँखों के नीचे की फाइन लाइंस हो, चाहे आँखों का काला गेरा हो, चाहे रिंकल्स हो यानी झुर्रियाँ हो, और चाहे आपका हेयर फॉल हो, सब में एक साथ मदद करके आपको लाभ देगा। तो पेश है आपके सामने साथियों यह अचूक नुस्खा। आपको साथियों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको करीब मान लेते हैं 100 ग्राम या 200 ग्राम आपको देसी गुलाब की पत्तियां लेनी हैं। देसी गुलाब वो होता है साथियों जिसके बहुत महकता है। गुलाब थोड़ा छोटा होता है, वो वैलेंटाइन डे वाले गुलाब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत क्लियर करता हूँ इस बात को। जो महक वाला देसी गुलाब होता है बिल्कुल सुर्ख लाल होता है, थोड़ा छोटा होता है और बहुत महकता है, उस गुलाब की बात कर रहा हूँ। आपको वो गुलाब की पत्तियाँ लेनी हैं करीब 200 ग्राम। एक बार में आप ज़्यादा बना लें ताकि बार बार आपका वक्त ना वेस्ट हो। 200 ग्राम आपको गुलाब की पत्तियाँ लेनी हैं और 200 ग्राम ही आपको पोमग्रेनेट यानी अनार का छिलका लेना है। जो गुलाब की पत्तियाँ हैं उनको आपको छाँव में, मतलब धूप में ना रख के धूप वाले जगह पर छाँव में रख के उसको 2 से 3 दिन सुखा लेना है, या फिर धूप में कोई कपड़ा उसके ऊपर रख के तब उसको रख सकते हैं। वैसे उसको छाँव में रखें क्योंकि गुलाब बहुत कोमल होता है, वो 1-2 दिन में सूख जाएगा। तो उसको आप सन ड्राई कर लें, सन ड्राई मतलब सन के शेड में ड्राई, आप इसको सन ड्राई कर लें। और आपको अनार के छिलके लेने, अनार के छिलकों को भी आपको 3 से 4 दिन धूप में रख देना है ताकि वो बहुत कड़े हो जाएं, वो सूख जाएं। अब यह दोनों चीज़ें आपको जो है वह आपस में मिला के इसको कूट लेना है इमाम दस्ते से। कोशिश करिएगा साथियों मिक्सी में ना पीसिए। मैं आपको आज एक जानकारी देता हूँ, मिक्सी में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि जब आप ग्राइंडर में कुछ भी चलाते हैं तो हीट उत्पन्न होती है, आपने देखा होगा आपका ग्राइंडर का जार गर्म हो जाता है, तो जब जार गर्म हो जाता है तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और गुलाब तो बहुत कोमल होता है, कहते हैं आपके होंठ गुलाब की पंखड़ी जैसे हैं, तो इस तरह की उपमा गुलाब को दी गई है। तो आपको इन दोनों चीज़ों को, जो कूटने वाला इमाम दस्ता होता है उसमें कूट लेना है, क्रश कर लेना है, पाउडर बना लेना है। फिर साथियों आपको एक चीज़ और लानी है, वह है मिट्टी का मटका, जो आप फ्लेम पे रख सकें, गैस पे रख सकें, स्टोव पे रख सकें। उसमें आपको 2 गिलास पानी डालना है और दोनों इस पाउडर का 3 से 4 ग्राम यानी कि एक छोटा चम्मच यह पाउडर आपको उस पानी में डाल देना है, इसको बॉईल कर लेना है। जब साथियों यह पानी जो आपने मिट्टी के मटके में चढ़ाया है जो कि 2 गिलास है, जब यह आधा रह जाए, हाफ रह जाए, तो
तो आप इसको गैस से उतार लीजिए, फ्लेम से उतार लीजिए, और उतारने के बाद जब यह पीने योग्य हो जाए, हल्का गुनगुना रहे, तो आप इसमें एक चम्मच शहद डाल लीजिए और इस पानी को आप पी लीजिए। आप देखेंगे साथियों कि आपका जो भी उम्र की समस्या है, जो भी उम्र बढ़ने की समस्या है, और जो भी उम्र बढ़ने से की समस्या है वह काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा, और आपके चेहरे के सारे एक्सटर्नल दोष जो दिखने में दोष हैं वह खत्म हो जाएंगे, और शहद और अनार का छिलका आपके शरीर के हर सेल में, कोशिका में जाके आपको लाभ पहुंचाएगा। अब एक बात साथियों यह उठती है कि यह क्यों काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है यह साथियों। इसलिए काम करेगा क्योंकि जो अनार का छिलका होता है उसमें अल्फा ग्लूकोसिडिक एसिड पाया जाता है, और अल्फा ग्लूकोसिडिक एसिड आपकी एंटी एजिंग में बहुत सहायक होता है, आपकी उम्र को रोकने में सहायक होता है। इसके अलावा साथियों पोमग्रेनेट में, अनार के छिलके में इलैगिक एसिड पाया जाता है। इलैगिक एसिड आपके कोलाजेन फाइबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, और कोलाजेन फाइबर वो फाइबर होता है जो आपकी स्किन को बाइंड करके स्किन को टाइट रखता है। तो देखिए एक फ्री की चीज़ में आपको इतना कुछ मिल रहा है जो आप, इसके अलावा पॉलीफिनॉल्स होते हैं अनार के छिलके में, और अगर हम लोग गुलाब की बात कहें तो गुलाब के कहने ही क्या, खूबसूरती का नाम गुलाब होता है, ये तो आप मानते ही होंगे। किसी की खूबसूरती को बखान करा जाता है तो ज़्यादातर बार उसमें गुलाब का नाम जरूर आता है। तो गुलाब में नाम इसलिए आता है साथियों कि इसको इसमें विटामिन ए, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। गुलाब बहुत रिच सोर्स है, रोज़ बहुत रिच सोर्स है इन चीज़ों का, इसलिए यह आपके लिए सहायक है। आप इस नुस्खे को करिए साथियों, और हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताइए कि आपको फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। 90 दिन लगातार आपको ये नुस्खा करना है साथियों, आप अद्भुत फायदा अपनी एंटी एजिंग में देखेंगे, एक तीर से 100 शिकार होंगे। आप इसको करिए और हमको बताइए, और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप WhatsApp नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, हमें खुशी होगी आपकी बात का जवाब देने में। निवेदन करूंगा साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा, और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक आपके चमकने, स्वस्थ रहने, आपके परिवार के स्वस्थ रहने की और बेहतरी की कामना करता है। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा वीडियो खत्म होने से पहले, कि पानी पीना स्वस्थ रहने का और एंटी एजिंग का बहुत बड़ा माध्यम है, इसलिए आप पानी भारी मात्रा में पिएं। गर्मियों का वक्त आ रहा है, और ज़्यादा पिएं, उसके लिए कभी वक्त की कमी ना महसूस होने दें। धन्यवाद। Thank you.